गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश पार्ट बुक। नाउ ओपन द पेज नंबर वन। द लेटर इज जी। द फोनिक साउंड ऑफ जी इज ग। जी ग, जी ग, ग्रेप्स। जी ग, गोट। ये आप पहले लर्न कर चुके हैं। अब जो हमने लर्न करने हैं, इसके टू फ्रेंड्स बाकी रह गए हैं, वो इसके फ्रेंड्स हैं जी ग गर्ल, जी ग ग्रीन, जी ग ग्रेप्स, जी ग गोट, जी ग गर्ल, जी ग ग्रीन, जी ग गर्ल, जी ग ग्रीन। पेज नंबर 6। इन सर्कल एंड राइट आंसर्स इन द ब्लैंक्स। जी यहाँ पे राइट हुआ हुआ है बी एंड सी। जी देखें, बी और सी के बाद क्या आता है, टीचर के साथ रीड करें, ए बी सी। नेक्स्ट वन इज डी। वेरी गुड, यहाँ पे डी और ई राइट हुआ है, तो हम डी को सर्कल करेंगे और यहाँ पे डी को राइट भी करेंगे। मेक अ वन, मेक अ सेमी हाफ सर्कल। वेरी गुड, इस तरह से। ओके, इसी तरह आपने बाकी भी बताना है कि ई एंड एफ के बाद क्या आता है, सी और डी के बाद क्या आता है, ए और बी के बाद क्या आता है, उनके आप लेटर को सर्कल करना है, देन आपने यहाँ पे राइट करना है। ओके, कलर द करेक्ट लेटर अकॉर्डिंग टू इट्स पिक्चर। जी यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं, बियर, फोर, गोट। ओके जी, बियर के फ्रेंड को फाइंड करते हैं। बियर देखें, बियर क्या ई का फ्रेंड बियर होता है? नो। क्या बी का फ्रेंड होता है? यस। वेरी गुड, आपने बी बियर होता है तो आपने बी में कलर्स करने हैं। वेरी गुड, इस तरह से बाउंड्रीज में कलर करने हैं। ओके, वेरी गुड, इस तरह से बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे से कलर्स करने हैं। इसी तरह आपने फोर के फ्रेंड को फाइंड करके उसमें कलर्स करने हैं और गोट के फ्रेंड को फाइंड करके उसमें भी कलर्स करने हैं। ट्रेस एंड राइट। जी ए बी सी डी ई एफ जी, आपने इनको ट्रेस करना है, ए टू एफ जी। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आपके फर्स्ट टर्म की बुक में भी ये थे, ए टू एफ आपने पहले से ट्रेस किए हुए हैं, राइट किए हुए हैं। तो ये आपने जिन बच्चों को ए टू एफ राइट करना नहीं आता, आपने अपनी रफ कॉपी पे ए टू एफ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जिस तरह से आपको टीचर ने जी राइट करना बताया था, सेम आपने उसी तरह जी को भी पहले ट्रेस करना है, देन आपने एक इनको राइट भी करना है। ये देखिए यहाँ पे लाइंस हैं, 4 लाइंस हैं, 1, 2, 3, 4 लाइंस हैं। इसी तरह ये मिड वाली 2 लाइंस में ए राइट हुआ, तो आपने भी सेंटर वाली 2 लाइंस में ही राइट करना है। ओके, इसी तरह बी सी डी ई एफ जी। ओके, आपने अपनी मामा को बिल्कुल भी तंग नहीं करना, अपने जब राइट करना है तो आपकी पेंसिल की टिप शार्प होनी चाहिए, रेज़र का बहुत कम यूज़ करना है, ओवर राइट नहीं करना। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।